प्रोडक्ट के बारे में तो जानेंगे स्वप्निल जी से और सोनिया जी से, उन्होंने ये बिजनेस इको फ्रेंडली क्यों सिलेक्ट किया और उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। हमने ये बिजनेस के तौर से स्टार्ट नहीं किया, हमने खुद के लाइफ में जब चेंजेस किए, जब हम जीरो वेस्टर्स हुए, मिनिमलिस्टिक हुए, तो हमने ये प्रोडक्ट्स का इन्वेंशन खुद के लिए किया था। और ये सब स्टार्ट हुआ क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग में थे दोनों, 10 साल का एक्सपीरियंस रहा एडवर्टाइजिंग और डिजाइनिंग में। तो हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जो पर्यावरण के लिए सही नहीं थे, वो केमिकल रिच थे या फिर प्लास्टिक पैकेजिंग थे, जो दोनों चीजें पर्यावरण और अपने खुद के लिए ह्यूमन बॉडीज के लिए भी सही नहीं है। तो हमने जब वो डिसीजन लिया और उस बारे में हमने थोड़ा बहुत रिसर्च चालू किया, हम आरए मूवमेंट में भी जुड़े जहाँ पे वो पेड़ काटने वाले थे, 3,000 पेड़, उसमें काफी और लोगों से मिला, मुलाकात हुई। और तब हमने सीखा कि जो हम डेली नेसेसिटीज यूज करते हैं लाइफ में, वो कितने केमिकल से भरे हुए हैं, वो कितने पर्यावरण को नुकसानदायक है। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने लाइफ में वो सब चेंजेस चालू कर दें। तो हमने खुद के लिए टूथपेस्ट बनाना चालू किया और जब वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा तो हमने सोचा कि वही प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं क्यों ना लोगों तक भी लेके जा पाए। तो हमने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को वो पहले टेस्ट कराया और जब उनका सहमति मिला, उनका अप्रूवल मिला कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, इट्स एफिशिएंट, गुड एंड डूइंग व्हाट अ टूथपेस्ट शुड बी डूइंग, तो हमने सोचा कि जब एडवर्टाइजिंग छोड़ना ही है तो एटलीस्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के डायरेक्शन में क्यों ना जाए। आप दोनों जन जॉब करे तभी आपको जो प्रोडक्ट आप लोग सेल करे तभी आपको पता चला कि जो आप कर रहे हो, जो काम जो कर रहे हो वो थोड़ा सा कहीं गलत है, गलत है ऐसे। मतलब जो प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, जो वो क्लेम्स करते हैं कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है, बच्चों को खिलाओ या, तो ये सारी चीजें अनहेल्दी फॉर किड्स, राइट। एंड जब हमको ऐसे हुआ कि हमें वो बेचना है, हमें वो बच्चों को बेचना है, दैट टाइम वी रियलाइज नहीं यार ये गलत है, ये हमें नहीं बेचना, बस हमें लाइक। इसीलिए आपने मतलब डिसाइड किया कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को ही आपको चूज करना है, वही बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है। श्योर, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ। जैसे हमारी रियर की टूथपेस्ट है, ये बेसिकली ग्लास जार में हमने पैकेजिंग की है क्योंकि प्लास्टिक आपको पता ही है कि वो लैंडफिल्स में फिल हो जाते हैं, नहीं तो फिर इट्स नहीं रहते। मैं बात रियर था तो क्यों डिसाइड किया सोनिया। ओके, सो जब हम ये लाइफस्टाइल रहना शुरू कर दिया था, लाइक हमने जैसे इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल की तरफ हम उड़ गए थे, जब बहुत सारा रिसर्च किया तब पता चला कि ये सारी चीजें तो हमारी दादी, ये सारे मीन्स वो तो ऐसी ही लाइफ जीती थी। तब तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, वो लोग नदियों में जाके स्विम कर सकते थे। पता चला धीरे 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 हमने ये सब खराब किया है। सो वी थॉट दैट कि चलो अपना ब्रांड का नाम, प्रोडक्ट का नाम ही हम रियर्थ रखते हैं, जहाँ पर वी विल ट्राई कि जितना हम अर्थ को फिर से वाइटलाइज कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ रियर्थ केम। बहुत ही अच्छा नाम, उतना हम ट्राई करेंगे ऐसे थ्रू आवर प्रोडक्ट्स। इसके बेनिफिट्स थोड़े आप बताइए प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये टूथपेस्ट पे इसका बेस जो है कोकोनट ऑयल का है, इसमें आरो रूट पाउडर है, चौक है जो आपके मसूड़ों के लिए अच्छा होता है। कस्टमर्स ने हमें कॉल करके भी खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे उनको पहले सेंसिटिव टीथ का प्रॉब्लम होता था और जब से ये टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वो प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा कम हो गया या कट गया। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। ऑल्सो टूथपेस्ट हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया, लाइक मार्केट में टूथ पाउडर्स है वो भी बेनिफिशियल है ऐसा नहीं है, पर दातून तो हम यूज कर ही सकते हैं, बट पीपल विल नॉट गो बैक टू दातून। टूथ पाउडर भी है पर लोग यूज नहीं कर रहे, उनको वो टूथपेस्ट वाला फीलिंग चाहिए। तो हमने कहा कि लेट्स ब्रिज दैट गैप, कि नॉट कम्प्लीटली टूथपेस्ट ना दातून, तो हम बीच में कैसे एक प्रोडक्ट ला सकते हैं कि एटलीस्ट पीपल विल ट्राई एंड यूज इट, लाइक यू नो उनका शिफ्ट आसान हो। फिर जब टूथपेस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया तो देन हमने वापस मार्केट रिसर्च किया, वहाँ इतने सारे फ्लेवर्स है, ऐसा नहीं है कि लाइक लोग एक ही टूथपेस्ट लेते हैं और वही हमेशा यूज करते हैं। तो वी थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मोर फ्लेवर्स इन आर टूथपेस्ट,
जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है, चारकोल इज वेरी गुड फॉर टीथ वाइटिंग, तो हमने चारकोल वाला फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया। ऑरेंज वाला फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया जहाँ पर बच्चों को तीखी टूथपेस्ट नहीं पसंद है, थोड़ा सा फ्रूटी फ्लेवर आ जाता है, तो ऑरेंज टूथपेस्ट भी है हमारे पास। और ये स्पियरमिंट टूथपेस्ट है जो बेसिकली कैप्चर करता है, जो लोगों को आदत हो चुकी है मिंटी फ्रेशनेस की सुबह सुबह, तो हमने वो फॉर्मूला इसमें कैप्चर करने की कोशिश की है। इसके साथ जो सबसे ऑब्वियस लगने वाला प्रोडक्ट है वो बैम्बू टूथब्रश है, तो ये भी आपको जो प्लास्टिक के टूथब्रशेस का पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है वो कम करने में हेल्प करेगा। फिर सोप्स तो हमें लगते ही है, तो हमने 7 से 8 वैरायटी के सोप्स निकाला है जो नेचुरल सोप बेस से बने हैं और जिनमें ना केमिकल्स है, ना SLS है, ना पैराबेंस है। शैम्पू बार्स अभी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम, जो प्लास्टिक की बॉटल का पोल्यूशन को भी कम करेंगे, तो आपके ये शैम्पू बार्स है जो 3-3 महीने तक चल सकते हैं एक इंसान के लिए, और इसको पैकेजिंग के लिए ना प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है ना कोई केमिकल्स इसमें है। बाथ किट दे रहे हैं, किचन किट के लिए भी हमने ये डिश वॉशिंग बार्स इंट्रोड्यूस किए जो पेपर में रैप्ड है और उसके साथ कोकोनट स्क्रब्स, तो इसमें भी आप सोचोगे जो मार्केट में मिलते हैं स्क्रब्स वो साइज में तो इतने ही बड़े रहते हैं लेकिन सिकुड़ के बाद में छोटे से बन जाते हैं, तो उसके बदले जब आप ये यूज करोगे और ये पानी में बह के चला जाएगा तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं देगा, अनलेस जो बाकी के प्रोडक्ट्स है जो प्लास्टिक के बने रहते हैं वो माइक्रो प्लास्टिक में बन के आपके नलों से जा रहे हैं, नदियों में, तालाबों में और ओशंस में जा रहे हैं जहां पे वो पॉल्यूशन और ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट उस तरीकों में आपने घर पे छोटी छोटी चेंजेस की आपकी खुद के लाइफ स्टाइल में, तो आप इको फ्रेंडली वे में रह सकते हो। ऑनेस्टली बताया तो हम मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड नहीं करते, हमने स्टार्ट में ही अपनी एक वेबसाइट बना ली और उसके साथ इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट आते हैं, प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये कैसे केमिकल फ्री है, कैसे प्लास्टिक पैकेजिंग फ्री है, और उसी को देख के वर्ड ऑफ माउथ से लोग बात कर लेते हैं और हम थोड़ा जो स्टोर प्रेजेंस है वो भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक स्टोर्स है या इको फ्रेंडली स्टोर्स है वहां पे हमारे प्रोडक्ट जब प्लेस होते हैं तो स्टोर के जो चालक होते हैं वो ही हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों को। और उसके अलावा आप जैसे लोग जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और ये ज्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए तो आप हमें मदद कर देते हैं और इसी के जरिए हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं अभी। सर ये बिजनेस किसी और को स्टार्ट करना है आपसे प्रोडक्ट लेके, तो क्या अपॉर्चुनिटी है, उनके उनके उनको क्या मतलब अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, कैसे वो आपके साथ जुड़ सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? हाँ, लाइक ऑन हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल क्लॉथ पैड्स है, ये क्लॉथ पैड्स पुणे में बनते हैं, इसको एक लेडी चलाती है हु इज सपोर्टिंग मोर वुमेन, कि वो लोग सब साथ में आकर क्लॉथ पैड्स बनाते हैं और फिर हम ये प्रोडक्ट्स लेकर हमारी वेबसाइट पे या हम हमारे प्रोडक्ट्स जो स्टोर्स में रखते हैं वहां पर हम रीसेल करते हैं। ऐसे और भी प्रोडक्ट्स है वेबसाइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल कोकोनट स्क्रब और डिश वॉशिंग बार तमिलनाडु से आते हैं, धूप दिल्ली से आते हैं। सो हमें भी अच्छा लगता है कि जो हमारे लाइक सेम सोच के जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें हम कैसे सपोर्ट करें। कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाता हो, जो केमिकल फ्री है, तो वी आर ओपन टू पुट देम ऑन आवर वेबसाइट। और उसी तरह हम बॉम्बे में जो भी स्टोर्स के साथ एसोसिएटेड है वहां पर उनके प्रोडक्ट्स भी हम रखते हैं। सेलिंग के लिए अगर आपके पास खुद का ब्लॉग है, व्हाट्सएप पे है, आप इंस्टाग्राम थ्रू सेल करते हो या आपकी वेबसाइट है या स्टोर है, तो हम अपने प्रोडक्ट्स आपको रीसेलिंग के लिए अवेलेबल करके दे सकते हैं। स्वप्निल जी की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ताकि आप डायरेक्टली उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। स्वप्निल जी, सोनिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आपका कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।